Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. ये पसंद आएगा ये मेकअप लुक क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे अपना स्किन केयर स्किन केयर आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से करती हूँ उसके लिए आप जो भी टोनर यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया है गुड वाइब्स का हनी फेस ग्लो टोनर मैंने बहुत सारे टोनर की मैंने आपके साथ टोनर की भी अपना एक वीडियो शेयर करी है घर में आप टोनर कैसे बना सकते हैं आप वो मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर लीजिएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है पर्पल का फ़ेस सीरम जिनकी ऑयली स्किन है ये आप डेफ़िनेटली बाय कर सकते हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका इंडिविजुअल वीडियो शेयर करने वाली हूँ मैं इसकी आपके साथ उसके बाद मैंने आपको बताया था मेरा एलोवेरा जेल सारे खत्म हो गए हैं तो मैंने ये प्लम का एलोवेरा जेल मंगाया है बहुत ज़्यादा लिक्विड लिक्विडीसा है अच्छा है और आप इसे मसाज फ़ेस मसाज की तरह फ़ेस पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं बहुत आपके काम आने वाला है ये एलोवेरा जेल मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत लाइट वेट था उसके बाद मैंने ये लिया है ममा अर्थ का फ़ेस जेल अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे बाय कर सकते हो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है बहुत अच्छा ये मतलब आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कुछ आपने थिकी या है, हैवी लगा रखा है बहुत लाइट सा है अच्छे से प्रोटेक्ट करता है स्किन को और अब मैंने सुपर ग्लोसी और हाइड्रेशन रखनी थी मुझे फेस पे सुपर डुपर ग्लोसी और ग्लोइंग स्किन रखनी थी तो मेरे को नरिशमेंट पूरी चाहिए थी आप अपनी स्किन पर क्योंकि विंटर मेकअप लुक है विंटर में ड्राई विंटर uh, में स्किन ड्राई हो जाती है तो उसके लिए मैंने गुड वाइब्स की सेफ्रिन क्रीम ली है अगर ड्राई स्किन वालों ये आपके लिए बहुत बेस्ट है और अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप इसे बाय कर चुके हो तो आप इसे विंटर में लगा लीजिए सर्दी में भी गर्मी में भी आप लगाते हो तो थोड़ी क्वांटिटी कम करके आप लगा सकते हो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करूँगी बायोटिक का मैंने फ्रूट वाला लिप बाम लिया है ये मेरे ये टिंटेड सा बेस कलर भी देता है लिप्स को और ये अच्छे से मॉइस्चराइज रखेगा आपके लिप्स और प्लमपी से लिप्स रहते हैं इससे आप जो भी लिपस्टिक या क्रियोन वगैरह यूज़ करोगे तो आपके होर ड्राई नहीं रहेंगे बहुत अच्छा सा सॉफ्टनेस रहेगी लिप्स पर आईब्रो को मैं फ़िल कर लूँगी पैक के आईब्रो पाउडर के साथ अपनी नेचुरल शेप में मैंने फिल कर लिया हल्का सा थिक रखा था और ये दोनों मैंने शेप को फिल कर लिया है आईब्रोज को उसके बाद मैं आई मेकअप करूंगी आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कंसीलर स्विस्ट ब्यूटी का अगर आप हाई कवरेज कोई कंसीलर चाहते हो मैंने हमेशा इस कंसीलर की आपके साथ तारीफ है आप इसे बाय कर सकते हो बहुत अच्छा कंसीलर है कि मेबलिन फिटमी का कंसीलर है ना मुझे सेम उसकी तरह लगता है बहुत अच्छी कवरेज देता है और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप सबसे पहले अपनी आईब्रो फिल करने के बाद ना उसे अच्छे से सेट करा करो कंसीलर के साथ आप ऐसा करोगे ना आपकी आईब्रो इतनी प्यारी लुक देती है ना मैं जल्दी जब मेकअप करती हूँ तो मैं जल्दी जल्दी जब ब्लैंड से ब्यूटी ब्लैंडर सेट से कर लेती हूँ ना वो लुक अलग आती है और मैं इस टाइप से जब उसे सेट करती हूँ ये लुक अलग आती है थोड़ा सा दो तीन मिनट लगते हैं लेकिन बहुत प्यारी लुक आती है इसे मैं सेट कर लूँगी मैंने अपना कंसीलर सेट कर लिया है नायका का कॉम्पैक्ट के साथ और यहाँ पर मैंने लिया है एस एफ आर की आई शेडो पैलेट इट्स माई प्लेजर ये दो शेड लूँगी अपनी मैं क्रिस पे अप्लाई करूंगी पहले ये डार्क पर्पल शेड उस अप्लाई करूँगी क्रिस पे फिर उसके अंडर अंडर लाइट पर्पल शेड अप्लाई करूंगी ये मैंने बाय करी थी किट कफ एंड लैश से मैंने उनसे दो तीन किट बाय करी थी ये मिनी किट्स थी आई शेडो पैलेट की दो तीन किट मैंने आई शेडो पैलेट्स बाय करें मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ इस किट को उसके बाद मैंने लिया है ये लाइट पिंक कलर शिमरी सा है मैंने पूरा हाथ पे पहले लगा लगा के देखे थे दे कि मैं कौन सा अप्लाई करूंगी लिड पर फिर मैंने ये शिमरी सा पिंक कलर लगाया और इसे मैंने अप्लाई करा है अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से क्योंकि ये ब्रश में अच्छे से शेड नहीं आते हैं फिर वही सेम दोनों शेड लूँगी और क्रिस पे अप्लाई करूँगी ताकि जो भी शेड फेड हुए हैं वो प्रॉपर उभर कर आए उसके बाद मैं करूँगी अपना फ़ेस मेकअप फेस मेकअप के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर स्विस ब्यूटी का फेस प्राइमर सिलिकॉन बेस इतना ज़्यादा नहीं है ये प्राइमर इसके अंदर ना कुछ पार्टिकल्स हैं पर्ल्स के और अच्छे से ना मतलब एक शाइन भी प्रोवाइड करता है ये मुझे अच्छा लगता है ये प्राइमर ब्यूटी का बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा थिकी नहीं है हल्का हल्का सा लिक्विडी प्राइमर है और अच्छी अच्छा बेस कर देता है ये उसके बाद मैंने ग्लोसी ग्लोइंग सर मेकअप लुक रखा है तो उसके लिए मैंने ये क्रीम ले ली है मेबलिन की मास स्ट्रोबिंग क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छे से चाहें तो आप इसे फाउंडेशन में मिक्स करके लगाओ चाहे इसे आप हाईलाइट highlight कर हाईलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैंने ये फाउंडेशन से पहले लगाई है मतलब एक नेचुरल ग्लो देती है आपके फेस पे ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आपने हाई बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करने के लिए फेस बहुत ज़्यादा कुछ हैवी लगा रखा है देखो एकदम नेचुरल ग्लो लग रहा है जैसे हम स्किन केयर करने के बाद ग्लो हाँ हो जाता है हमारे फेस पे अच्छे से सेम उस टाइप का उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर मेकअप रेवल्यूशन की फ़ेस स्टिक फाउंडेशन स्टिक बहुत ज़्यादा क्रीमी फाउंडेशन स्टिक है ये अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे बाय कर सकते हो मुझे ये स्टिक इतना अच्छे से ब्लैंड इतनी जल्दी ब्लैंड कर देती है जैसे स्टिक होती है ना तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा टाइम लगेगा ब्लैंड करने में स्टिक है फाउंडेशन बट इतने अच्छे से क्रीमी स्टिक है ना बहुत अच्छे से फाउंडेशन को ब्लैंड करती है ड्राई स्किन वालों के लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छी है आप बाय कर सकते हो मेरा शेड है एफ़ सिक्स और अब मैं लगाऊंगी कंसीलर कंसीलर मैं अपना जहाँ जहाँ मैं कंसीलिंग करती हूँ वहाँ वहाँ कर लूँगी हाईलाइटिंग पॉइंट पे और आप कोई जब भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो ना आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ मत करा करो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं करेगा आपके मेकअप को आपने क्या करना है मेकअप करने बैठते हो ना थोड़ी देर दो तीन मिनट ना ब्यूटी ब्लैंडर को पानी में डिप करके रख दो उसके बाद ना उसे अच्छे से स्क्यूज़ आउट कर लो और उसे देन उसको यूज़ करो इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लैंडर का नायका के कॉम्पैक्ट के साथ मैं इसे सेट कर लूँगी सारा बेस को कॉम्पैक्ट बस टचअप के लिए लगाया करो कॉम्पैक्ट ज़्यादा मत लगाया करो स्किन पर सिर्फ टचअप क्योंकि सर्दी का टाइम है सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा ना ड्राई करेगा और ये है भी मैट में तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने बस आ, सेट कराया अपना बेस उसके बाद वही दो शेड लूँगी और उन दोनों शेडों को अपनी लोअर लैशेज लाइन में अप्लाई कर लूँगी ब्रश की हेल्प से और ये मैंने जेल लाइनर लिया है यहाँ पर एक्चुअल में ये जेल लाइनर ना मैंने मीशो से ना आई लैशेज़ बाई करी थी तो मुझे एक पैक था उसका पूरा कॉम्बो था जिसमें मुझे एक ये मिला था आ, दो लाइनर मिले थे मुझे जेल लाइनर एक ब्लैक और एक ब्राउन इसके बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं बता सकती कैसा है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ कराया है बाद में आपको बताऊँगी कैसा रहा ये उसके बाद मैंने काजल और लाइनर दोनों जेल से लगा लिए थे ब्लैक वाले जेल लाइनर से और मैंने मशकारा लिया है नायका का ये मशा मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छे से लेंदी कर देता है लैशेस को हैवी कर देता है अगर आपको आई लैशज़ नहीं लगानी है तो अगर आप इसके दो से तीन कोट लगा लोगे तो भी इनफ है बहुत अच्छी लुक देता है और फाइनली मैंने ये मिलाने का अपना ब्राउनज़र बाय कर लिया है मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इस ब्राउनज़र को बाय करने की यह ब्राउनज़र मुझे रियल में बहुत पसंद था मैंने कई यूट्यूबर्स के पास देखा था ये ब्राउनज़र बहुत और ये हैवी ब्राउनज़र सिल्की टाइप में जैसे सिल्की ब्राउंज़र होते हैं ना बिल्कुल भी मतलब इतने अच्छे से ब्लेंड करता है ड्राई ड्राई नहीं रहता एकदम जैसे कोई सिल्की सी चीज़ हमने हाथ में ले ली ना बटरी सॉफ्ट सेम उस तरह से है बटरी सॉफ्ट ब्राउंजर था बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था एक हल्की सी शाइन भी नेचुरल शाइन प्रोवाइड कर रहा था एक्चुअल में हम ब्राउंजर इसलिए लगाते हैं ताकि हम हमारा फेस स्लिम लगे कटआउट्स अच्छे से दिखे हमारे फेस के जो भी हमने ब्लश वगैरह लगाते हैं तो वो अच्छे से सामने उभर कर आए नेचुरल लगे सब कुछ उसके बाद मैंने ले लिया है ये डार्क पिंक ब्लश ले लिया है मैंने लैक में शिमर ब्रिक में से एक ही शेड लूंगी मैं और इसे अप्लाई करूंगी और इसे ब्लेंड कर लूँगी हल्के हाथों से लाइट लिया था ज़्यादा डार्क शेड मत लगाना मतलब बहुत हल्का सा टचअप करते हुए लगाना एक साथ अगर उसे डार्क कर लोगे तो ज़्यादा एक साथ आ जाएगा शेड उसके बाद मैंने लिया है ये मेबलिन का अपना हाइलाइटर इस हाइलाइटर की मैं जितनी तारीफ़ और जितनी वीडियोस में आपके साथ तारीफ करूँगी उतनी ही कम है बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये देख लो कितना अच्छा मतलब नेचुरल ग्लो आता है सेम टू सेम ऐसा कुछ इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स नहीं हैं जो ड्राई आउट करेंगे आपके ग्लो को हाइलाइटर के ग्लो को बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है फेस में मेल्ट हो जाता है अच्छे से बहुत अच्छा लगता है और फाइनली लिपस्टिक मैंने यहाँ पर ली है शुगर का लिप क्रियोन ज़ीरो टू मेरा शेड था और ये मेरी फाइनल लुक है आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में